जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। वहां आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सामने आई जानकारी के अनुसार एमसीडी के करीब 8 से 9 बुलडोजर इलाके में पहुंचे हैं और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जहांगीरपुर इलाके में 16 अप्रैल की हिंसा के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पहले भी पुलिस जब एक आरोपी के परिवार वालों से पूछताछ करने गई तो पथराव हुए थे। पिछले शनिवार से इलाके में भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे में नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने पूरी कार्रवाई को लेकर कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पूरी दिल्ली में किया जाना है। पहले भी हमने कार्रवाई के लिए सुरक्षा की मांग की थी, पर किसी वजह से कार्रवाई नहीं की जा सकी। राजा इकबाल सिंह का ये बयान एमसीडी की ओर से कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए 400 पुलिसकर्मियों की मांग के सवाल पर आया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता अमानुल्लाह खान ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के समय पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर दिल्ली के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। दिल्ली के ओखला क्षेत्र से आप विधायक अमानुल्लाह खान ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत रमजान के पवित्र महीने में जहांगीरपुरी इलाके में एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए उनके घरों को तोड़ने से क्षेत्र में माहौल खराब हो जाएगा। बता दें कि भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने मंगलवार को एनडीएमसी के महापौर को जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अवैध निर्माण की पहचान करने और बुलडोजर का उपयोग करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक पत्र लिखा था। बताते चले कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थी। हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएस।